वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों आइए आज हम लोग बात करते हैं ईपीटीपीएससी मंडी परिषद में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है और ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए कुछ क्वेश्चन है इसमें से। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है धोने के सोडे का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए में मैंने लिखा है Na2SO4.10H2O, मैंने बी में लिखा है NaHCO3, सी ऑप्शन में मैंने लिखा है Na2CO3.10H2O और डी ऑप्शन में मैंने लिखा है CaOH2। आप इसका आंसर रिप्लाई करिए, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का होता है समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। आप इसका आंसर दीजिए। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो इसका होगा सी, समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के क्रम में आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला राकेट खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एवोगाड्रो परिकल्पना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है संवेग संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, संवेग संरक्षण। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि राकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, संवेग संरक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। अब आइए इसी के क्रम में हम लोग इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है देखिए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है द्रव्यमान क्षति और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या होगा, नाभिकीय विखंडन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसी के क्रम में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा उपयोग दोनों पर और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्त नाभिकीय विखंडन होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता कि हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों मेरी बातों को, यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछता कि हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, तब जाके आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता, नाभिकीय संलयन पर। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित हो तो इसका आंसर क्या होगा, नाभिकीय विखंडन पर। आइए इसी के क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। यहाँ पे दिया है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरणीय चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है, राइट। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है अल्फा किरणें, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गामा किरणें और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एक्स किरणें। आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरणीय चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। आइए इसी के क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O, भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आपको यहां पे दिया है ऑप्शन नंबर ए में शीतलक, बी में दिया है मंदक, सी में दिया है परिरक्षक और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, मंदक के रूप में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आइए इसी के क्रम में हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन पे देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। पूछा क्या, सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है।
आपसे इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्लूकोज, बी दिया है फ्रुक्टोज, सी दिया है माल्टोज और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर बी होगा, फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है जस्ता, बी में दिया है कॉपर, सी में दिया है कैल्शियम और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि अमीबा का प्रचलन अंग है सिलिया, बी दिया है प्लेजिला, सी दिया है लिसिमेनिया और डी दिया है यूग्लिना। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर ए सही होगा, सिलिया। जो अम्बिबा का प्रचलन अंग कौन सा होता है? सिलिया होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहां पर दिया है कि अस्थियों और पेशियों को जोड़ता है, अस्थियों और पेशियों को जोड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप यहां पर देखिए लिगामेंट, बी दिया है टेंडन, सी दिया है उपस्थि और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ए होगा, लिगमेंट। क्या करता है यह? अस्थियों पेशियों को जोड़ने में मदद करता है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है केमिस्ट्री का है। यहां पे दे रहा है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। आपको ऑप्शन दिया है वाष्पीकरण, बी दिया है हिमीकरण, सी दिया है पिघलना, डी दिया है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर सही आंसर की बात करेंगे तो होगा ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऐसी अभिक्रिया है, ऊर्ध्वपातन यह ऐसी प्रक्रिया है, इसमें कोई ठोस, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदलता है, इसके बाद द्रव के बाद गैस में बदलता है, लेकिन कपूर ऐसा और ठोस है कि यह क्या करता है, सीधे ठोस से किस में बदल जाता है? गैस में। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके फिजिक्स का है। देखिए लाइट के इंद्रधनुष के कारण होता है, यहां पे क्या दिया है? खाली स्थान। इंद्रधनुष के कारण होता है परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपको परावर्तन, बी में दिया है अपवर्तन, सी में दिया है प्रकीर्णन, डी में दिया है परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों। अगर इसी में देता पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो आपका वो भी आंसर सही होता, परावर्तन एवं अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। क्या होता है? इंद्रधनुष तीनों के कारण बनता है, राइट। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, 4 में क्या कह रहा है, 14। यहां पर चाय के पौधों का वनस्पति नाम है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? चाय के पौधों का वनस्पति नाम है और आपको दे रहा है कि यहां पे साइनेनेसिया थिया, बी में दिया है साइनेनिस और सी में दिया है थिया साइनेनिस और डी में दिया है कॉफिया अरेबिक। और आपका दोस्त करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या? सी, थिया साइनेनिस। क्या होगा? थिया साइनेनिस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट करिएगा और कल हम इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्त क्वेश्चन क्या है एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देने की कोशिश करिएगा और कल मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। यहाँ पे दिया है तेल बीज अर्थात ऑयल सीड वाली फसल किससे संबंधित होती है? यहाँ पे दिया है मालवेसी, बी में दिया है क्रूसीफेरा, सी में दिया है सिलेनेसी और डी में दिया है कंपोजेटी। आप जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। दोस्त अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक बार जरूर लाइक शेयर करिएगा और आप हमारे इंस्टीट्यूट से किसी भी प्रकार की एडमिशन से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिए गए एडमिशन 8299310097 पे व्हाट्सअप करिएगा
और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्त थैंक यू, धन्यवाद।